हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि कुछ पर्सनल इशू से, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली जो है मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो यहाँ पे अब हम एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर जो है वो बना रहे थे, और इसको एक दफ़ा मैं हमारी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड के एमुलेटर पे भी मैं रन कर देता हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। एक दफ़ा ये क्लियर हो जाए देन फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज की डेट में हमने क्या करना है। और साथ में एक तो हमने कलर डायलॉग जो है वो हमने बनाना है, तो उसके लिए इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। लिब है कॉमन फंक्शन, तो कॉमन फंक्शन के अंदर ये एक स्ट्रिंग है और ये रैंडम पासवर्ड, ये न्यू स्क्रीन है और ये एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए। ओके, और स्क्रीन, हाँ यहाँ पे मैं एक विजिट बना ले, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कॉमन विजिट, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ अलर्ट डायलॉग। डायलॉग ठीक है, अलर्ट डायलॉग हो जाएगा। ओके देन लेट मी मूव हियर। ठीक है जी, हो के चुका है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि साथ में विजिबल हो जाए। ठीक है, अलर्ट डायलॉग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। साथ में मैं आपको अलर्ट डायलॉग का जो है फ्लटर के अंदर वो मैं कोड शो करवाता हूँ, उस कोड को अब हम कॉपी करेंगे और उसको आगे यूज़ करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि जब एक कोड ऑलरेडी किसी ने लिख दिया हो तो हमें उस कोड को दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है। अब जैसे यहाँ पे ये शो अलर्ट डायलॉग है, तो ये अलर्ट डायलॉग शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फ्यूचर वाइड है, शो माई डायलॉग, और ये एसिंक है। और रिटर्न में क्या करेंगे, एक वायर टाइप होगा और इसका कॉन्टैक्ट और बैरियर वगैरह ये हम देखते हैं, और बिल्डर के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस चीज़ को अब हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक दफ़ा ये हमारी एप्लीकेशन जो है कंटिन्यू हो ले। ओके, रैंडम पासवर्ड जनरेटर ये लोडिंग होगी। ठीक है जी, मेरे पास 8 है, बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ और जनरेट करता है। ठीक है, तो वो इस तरह जनरेट कर रहा है 16। आगे मैं बोलता हूँ नंबर हो तो ये, आगे मैं ये बोलता हूँ तो ये हो जाए। ठीक है, एक दफ़ा किया तो वो बोल रहा है कॉपी हो गया। अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँ तो कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट करना है हमने। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं अब हमने क्या करना है। अलर्ट डायलॉग शो करना है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ वाई टाइप का कस्टम अलर्ट डायलॉग। ठीक है, और इसके अंदर बाद में देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक तो इसके अंदर चाहिए होता है मेन जो होता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर हम पास कर देंगे। और सेकेंडली यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दें या देख लेते हैं हमको क्या करना है। यहाँ पे अब हमारे पास आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्यूचर वाइड टाइप का है ये शो में डायलॉग। ठीक है, वो हमने बना रही है रिटर्न शो डायलॉग, यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे थे शो डायलॉग। तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है फ्यूचर टाइप का ये वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉन्टेक्स्ट वगैरह हमने ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो गेट कर लेगा। तो मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, अभी ये मुझे एरर देगा, एरर तो देना है इसने। ओके, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे मैं हेड एंटर करके यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न। यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो हाँ एरर हमारा चला गया। ठीक है, तो ओके, तो ये वाला काम करना है हमने, और शो डायलॉग यहाँ पे रिटर्न है, और रिटर्न के अंदर क्या करेंगे, अब हम कॉल करेंगे अलर्ट डायलॉग, और यहाँ पे ये सेमी कॉलन। ओके, अब यहाँ पे इसकी बॉर्डर की शेप किस तरह होनी चाहिए, एलिवेशन इसकी मैं 5.0 दे देता हूँ, और इसको एक दफ़ा मैं कॉस्ट सेट कर देता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर सिंपल ही रहने दें, कंटेंट पैडिंग टाइटल क्या देना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट पासवर्ड सेव। ठीक है, एक दफ़ा ये टाइटल दे रहे हैं, बाद में हम इसको देख लेंगे। टाइटल होगा इसके आगे आगे कुछ,
कंटेंट होगा ये भी एक विजिट लेगा। यहाँ पे अब हम कुछ यहाँ पे अब हम एक ले लेते हैं, रैप विजिट ले लें या रो ले लें, वो आपकी मर्जी है। कॉलम, मैं कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। कॉलम के बजाय आप लिस्ट व्यू भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, एज पर हम अपनी नीड लेते हैं। इसका कॉस्ट मैं रिमूव करूँगा तो हमारा एड्रेस चला जाएगा। इसको मैं कॉस्ट लेता हूँ, ठीक है। और कॉस्ट के बाद यहाँ पे मेरे पास इसको भी मैं एक दफ़ा कॉस्ट सेट कर देता हूँ, इसको बाद में आपने चेंज करना है। कॉस्ट लगाने का एक्चुअली बेसिकली मैंने मोस्टली अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, कॉस्ट लगाने का ये चीज़ है, जब हम रन टाइम पे अगर कुछ चीज़ों के हम कुछ से क्लिक करके कोई फंक्शन अपडेट करते हैं तो कॉस्ट की वो वैल्यू को नहीं छेड़ता होता, तो वो क्या करता है, वो कॉस्ट की वैल्यू को चेंज नहीं करता होता, बाकी जो जिसकी वैल्यू कॉस्ट नहीं होती उसको वो चेंज कर देता होता है, उसको चेक करता होता है, दोबारा रीबिल्ड करता होता है, ठीक है। ये इसका फायदा होता है। कॉलम है, कॉलम के अंदर अब हम क्या लेते हैं, सिंपल मैं एक ले लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ओके। ये कॉस्ट इसका रिमूव करेंगे तो होपफुली इसका एरर चला जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा जी, डेकोरेशन आ जाएगी, टेक्स्ट कंट्रोलर आ जाएगा, ऑटो फोकस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टाइल आ जाएगा, डेकोरेशन, डेकोरेशन ये किस तरह की चीज़ एक्सेप्ट करता है जी, टेक्स्ट इनपुट डेकोरेशन, कॉस्ट इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखते हैं इनपुट डेकोरेशन, ओके। यहाँ पे इसको मैं कॉस्ट सेट कर देता हूँ एक दफ़ा, तो इसका ग्रे लाइन चला जाएगी, ठीक है। बॉर्डर किस तरह होने के चाहिए, अलाइन विथ हिंट, इसके अंदर हिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। काउंटर, काउंटर इसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं वो होना चाहिए या नहीं, काउंटर टेक्स्ट होना चाहिए कि नहीं, डिसेबल बॉर्डर, इनेबल, ठीक। एरर बॉर्डर किस तरह का शो होना चाहिए, फिल विद कलर, कलर फील्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग लेबल यानी कि वो हम क्लिक करें और वो ऊपर की तरफ मूव हो जाए, फ्लोटिंग लेबल की अलाइनमेंट, ठीक है। ये सारा फोकस कलर, फोकस्ड कलर कौन सा होना चाहिए और फोकस बॉर्डर कौन सा होना चाहिए, इनपुट बॉर्डर का उसके अंदर वो ऑप्शन होती है, ठीक है। हेल्पिंग टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे हिंट की हिंट होना चाहिए या नहीं, आइकन कौन सा होना चाहिए, इस डिनाई लेबल, लेबल इसका क्या होते हैं, लेबल इसका हम देते हैं लेबल, यहाँ पे टेक्स्ट, और इसका है हम किसके लिए सेव करना चाहते हैं, सेट यू आर की, लेबल नहीं हम यहाँ पे देंगे, इसका जो हिंट टेक्स्ट है वो हम देंगे, लेकिन यहाँ पे लेबल क्या, यहाँ पे हम लेबल के लिए जस्ट एक की लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिंट टेक्स्ट वो होगा सेट योर की नेम, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह विजिबल होते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद यहाँ, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल डी कर लूँगा, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रीड ओनली, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ट्रू, कि इसको सिर्फ रीड किया जाए और कुछ ना किया जाए। और यहाँ पे मैं लेबल योर पासवर्ड, ठीक है, और हिंट टेक्स्ट यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लूँ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बॉर्डर है, कंस्ट्रेंट्स है, काउंटर है, काउंटर टेक्स्ट इनेबल, मैक्सिमम लाइंस, एरर, फिल्ड कलर, फ्लोटिंग, आई थिंक इसके बाहर आने चाहिए फिर इसकी, टेक्स्ट डायरेक्शन, ओके। जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे देखते हैं क्या क्या स्टाइल है, इनेबल है, ऑन टैप है, कंट्रोलर है, ऑटो फोकस, ऑटो फिल, हिंट, ऑटो फोकस, ऑटो वैलिडेट, विल्डर, क्रोजर, कलर, हाइट, रेडियस, क्रोजर, इनेबल, एक्सपेंड, फोकस नोड, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या एक्सेप्ट करती है, लेमी चेक, स्ट्रीम एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक पासवर्ड आ जाएगा जहाँ पे मैं एक जल्दी से वेरिएबल ले लेता हूँ,
या यहाँ पे इसको मैं ऑप्शनल बनाता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड बाय डिफॉल्ट मैं इसको एबीसी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इनिशियल वैल्यू पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं रिमूव अननेसेसरी, ठीक है, वो स्ट्रिंग टाइप है, वो बोल रहा है कि उसको अंदर आपको उसको रिमूव कर दो, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा ये अलर्ट डायलॉग जो है, मैं मेन के अंदर आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हमारे यूएस के अंदर कौन सी सप्लाई स्क्रीन थी और एक होम स्क्रीन थी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये एक लेंस चेक करने के लिए बनाया था, लेंस चेक कर, एक पासवर्ड था, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इफ ओके स्नैप बार, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपीड योर टेक्स्ट इज कॉपीड, ये हाँ जस्ट इफ वैल्यू, अगर हमने वो उसके ऊपर कॉपी वाला अगर सेव वाला करना है तो क्या करेंगे हम, ये वाला जो है कॉमन फंक्शन नहीं, अलर्ट डायलॉग का क्या, कस्टम अलर्ट डायलॉग, यहाँ पे अब हम इसको कॉल करेंगे, कस्टम और इसको पास कर दिया हमने कॉन्टेक्स्ट सेमी कॉलन, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया पासवर्ड, और यहाँ पे ये जो जिसके थ्रू हम पासवर्ड कॉपी कर रहे थे, योर पासवर्ड इज कॉपीड, हाँ, एलिगेशन है, स्नैक बार है, रैंडम पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड, ओके ठीक है। री एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या डायलॉग हमारे पास शो होता है या नहीं होता। ओके, मैं बोलता हूँ कंटेन दोनों होने चाहिए, ठीक है, कॉपी अगेन क्लिक, तो ये अलर्ट डायलॉग ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से की एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कुछ भी यहाँ पे वो हमें, मैं यहाँ पे देखिए जो भी टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करवा रहा है, ठीक। तो ये देखें, ये सिंपल फ्लोटिंग है, और ये ओके, अभी ये क्योंकि इतना बड़ा साइज क्यों है, इसको हम इसको कवर करते हैं अलर्ट डायलॉग को, ठीक है। ओके ओके ओके, वेयर इज कॉलम, कॉलम को हम रैप करेंगे हमारे साइज बॉक्स के अंदर, ठीक है, साइज बॉक्स, और इसकी विड्थ मैं कर दूंगा हाइट, हाइट में इसकी कर देता हूँ 300 लाइक समथिंग, हम इस तरह हार्ड कोडेड एक दफा दे रहे हैं, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं रैप को कॉलम की बजाय ना, मैं इसको ना देखते हैं हम किस तरह करना, तो ये देखिए इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसको मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, और कॉलम की बजाय इसको मैं करता हूँ रैप, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डबल, रन स्पेसिंग, रन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए 20, और डायरेक्शन एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन, अलाइनमेंट रैप, अलाइनमेंट क्लिप है, टेक्स्ट डायरेक्शन, ओके, क्रॉस एक्स वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन डाउन, ठीक है, लेट मी हॉट रोल एडिट, ओके तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें नीचे क्या करना है, दो बटन लगाने हैं, वो उसने क्या किया, उसको ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से सेट कर दिए, ये जस्ट फोकस में आ रहा है और कुछ भी नहीं काम कर रहा, ठीक है। वो पासवर्ड उसके अंदर जो है हमने वो रैंडमली ऑटोमेटिकली भेज दिया। अब अगर मैं लेट्स सपोज ये करता हूँ, तो होपफुली कॉपी एंड देन वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन काम है, ये रैप के अंदर उसको मैंने सेट कर दिया, स्पेसिंग यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है, अच्छा नीचे से अब आपने थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे स्पेसिंग की ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल में, यहाँ पे ये
और यहाँ पे मैं एक छोटा सा साइज बॉक्स जो है मैं वो ले लेता हूँ और उसकी हाइट कर देता हूँ 30 कर देता हूँ, तो वो नीचे से उसके अंदर स्पेसेस आ जाएंगे, वो कोई ऐसा जैसा इशू नहीं है। हाफ रीलोड, ठीक है, तो वो नीचे से भी इसके स्पेसेस आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं ये देखे मैं साइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है, मैं चाहता हूँ भाई नहीं गायब नहीं हो। तो यहाँ पे अब हमारे पास अलर्ट आ लग गए, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे अब हम देखते हैं बैरियर कलर, इसके साइडों पे कलर कौन सा हो गया, बैरियर डिस मिसबल, इसको अब हम करते हैं पहले ट्रू ट्रू करके देखते हैं, फिर हम इसको फॉल्स करके देखते हैं क्या होता है, गायब हो रहा है, इसको कर देते हैं फॉल्स। लेट मी हॉट रीलोड इट अगेन। अब मैं देखे मैं यहाँ पे साइड पे जैसे मर्जी क्लिक कर रहा हूँ, अब वो नहीं जाएगा, कैसे उस पर जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे बैक का क्लिक बटन दबाऊंगा तो गायब होगा, अदरवाइज वो गायब नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ओके, अलर्ट डायलॉग के अंदर और क्या क्या चीज़ है, शेप है, ठीक है, कंटेंट पैडिंग है, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट सेट करने के बाद ठीक है पासवर्ड ओके, और यहाँ पे मैं रैप और यहाँ पे फिर हमें साइज बॉक्स देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मैं हॉट रीलोड करता हूँ और देखता हूँ कि पैडिंग आ गई है या नहीं आई, तो ये सारी इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली पैडिंग आ चुकी है। ठीक है, ओके, एक तो ये हो गया, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अलर्ट डायलॉग है और इसके अंदर नीचे इसके अंदर जो है हम डिफरेंट बटन बनाएंगे, एक सेव और एक कैंसिल। ठीक है, दोनों में से अगर वो कोई चीज़ है, लेट्स सपोज कैंसिल करना चाहता है तो वो उसको क्या करे, एक्शंस, यहाँ पे मैं दो बटन बनाता हूँ, एक बनाता हूँ इसके दो बटन थे, एक था टेक्स्ट बटन उसको, हाँ, और एक था एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस के ऊपर मैं ज़रा कुछ और फंक्शन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर मैं पास कर देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हम सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव। यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट और ऑप्शंस होती हैं, ओके, एक एलिवेटेड बटन है, सेकेंडली मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ टेक्स्ट बटन, ऑन प्रेस, ठीक है, और चाइल्ड कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को ये होपफुली ये समझ लग गई होगी। अच्छा, कैंसिल वाले पहले मैं एक दफ़ा इसको ना ऑर्डर रीलोड कम्प्लीटली करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, पहले ये भी सही है, हम यहाँ पे ये रैंडम वाला ये जनरेट कर लेते हैं, कॉपी एंड देन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए ये सेव है और ये कैंसिल है, कैंसिल पे भी कोई परफॉर्म नहीं, सेव पे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन हमने कैंसिल पे क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेविगेटर डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्ट डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा कंप्लीटली, हॉट रीलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जनरेट कॉपी सेकंड, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें क्लोज हो रहा है, ये फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम जो वैल्यूज देंगे, ठीक है, वो वैल्यूज देने के बाद अब हम उसको सेव करेंगे, सेव किस तरह करेंगे, उसके लिए भी अब हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए, डिपेंडेंसी क्या है, मैंने आप लोग को बताया था हाइट बॉक्स,
आज की डेट में जस्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और नेक्स्ट में लेक्चर में मैं डिपेंडेंसी के बारे में एक्सप्लेन करके साथ में हम इम्प्लीमेंट करके हमारा डाटा जो है वो गेट करेंगे, और गेट करने के बाद क्या हम करेंगे वो सिंपली जो है वो उसको परफॉर्म करेंगे। ले जी ये हाई बॉक्स है, कवरेज ये इसके बारे में सारी डिटेल है, लाइसेंस इसके बारे में ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म हर एक चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ये ऑफलाइन डेटाबेस होती है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल के अंदर भी हमें डेटा टेबल और वह टेबल सॉरी एसक्यूएल के अंदर हमें टेबल वगैरह बनाने पड़ते, इसके अंदर हमें कोई टेबल वगैरह नहीं बनाने पड़ते, सिंपली जो हमारी एक क्लास होती है हम अपनी मर्जी से कस्टम क्लास को जो है उसको इसके अंदर इसके थ्रू हम बिल्ड करके और हम पूरी की पूरी लिस्ट सेव करवा सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट गेट करवा सकते हैं। ये इस चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है, तो इस डिपेंडेंसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव यमल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं हाँ हाँ ये कैपिटिनो आइकन्स के अंदर डेटाबेस कमेंट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और पब गेट कर दूंगा। तो ये हमारे पब गेट हो चुका है, तो ये पब गेट हो गया, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा कंप्लीटली रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस डिपेंडेंसी का इस पर कोई असर नहीं हुआ, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। इग्नोर करने के बाद ठीक है जी, ओके ये देख सकते हैं आप लोग जिस तरह, यानी कि ये मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ, जनरेट करने के बाद ये मेरा कॉपी हो गया डाटा, डाटा कॉपी होने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये मुझे अलर्ट अलग शो करवा रहा है, और मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो वो कैंसिल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ना पहले एक चीज़ हमने स्वैप करनी थोड़ी सी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे रन पे आते हैं, लेमी हॉट रीलोड, और यहाँ पे अब जेद ठीक है, अब सेफ इधर है, कैंसिल इधर है, ठीक है, अब कोई इशू नहीं है। ओके तो ये वाला हमारा काम हो गया, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, तो इससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और सेकेंडली आपके आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एक गोलैंग एक गूगल की लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस के साथ इसका जिक्र आता है, जो थर्ड नंबर पे आती है पूरी दुनिया में, जो आप लोगों को लाजमी लर्न करनी चाहिए। तो उस पर भी एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर किस तरह बना सकते हैं, APIs वगैरह किस तरह बना सकते हैं यूजिंग गोलैंग, तो वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।